सब लोग डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं, इसलिए जो भी लोग बायोलॉजी बैकग्राउंड के हैं उनके लिए जो मैं पढ़ाऊंगा वो लगेगा कि वो तो मेरे को बड़े बेसिक से मूव कर रहे हैं, पर मैं इस चीज का ध्यान रखना चाहता हूँ कि जो बाकी लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के लिए हैं, वो भी हमारे साथ ही इस चीज को समझते रहें। और दिस इज वेरी सिंपल सब्जेक्ट, आप ये मान के चलिए इसमें बहुत कुछ नहीं है, क्योंकि आप लोग एमएससी, यू आर स्टूडेंट ऑफ एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस, एंड दिस इज द बर्निंग टॉपिक। आवर मिनिस्ट्री इज फॉर्मली नोन एज मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। जो हमारी मिनिस्ट्री थी वो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट के नाम से जानी जाती थी, नाउ इट्स नेम इज चेंज्ड, दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, नाउ दिस इज MOEF एंड CC। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट चेंज पर अब इन्वायरमेंटल साइंस, इन्वायरमेंटलिस्ट की इस देश के अंदर इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हम जो भी देख रहे हैं नॉर्मल इन्वायरमेंट के अंदर नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन होनी चाहिए कितनी, 78%, ऑक्सीजन की होनी चाहिए 21% के आसपास, दैट इज 20.9, और सबसे इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड कह रहे हैं, उसकी कंसंट्रेशन इन्वायरमेंट के अंदर दिस इज नॉर्मली दिस शुड बी 0.03%, बट दिस इज इंक्रीज बाय 0.01%। इट मींस प्रेजेंटली द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन इज 0.04% और मोर, जबकि इस इन्वायरमेंट के अंदर इसकी कंसंट्रेशन 0.03 के आसपास होनी चाहिए थी, जो नहीं है। जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है ड्यू टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन। अगर आप इसको सिंपल समझते हैं, हम इन्वायरमेंट इज ओपन इकोसिस्टम, ये ओपन इकोसिस्टम है, जो भी वेरिएशंस आ रहे हैं, जो भी इमिशन हो रहा है कार्बन का, और उस कार्बन के इमिशन को हम क्या कर रहे हैं, हम उसको कंजर्व नहीं कर पा रहे हैं, हम उसको मिटिगेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो दो तीन वर्ड्स इसके अंदर आते हैं ना, कार्बन इमिशन। कार्बन इमिशन का मतलब है चाहे हम बर्निंग कर रहे हैं, चाहे किसी भी तरह से फॉसिल फ्यूल बर्निंग है, ठीक है, पॉल्यूशन है, इंडस्ट्री रन कर रही है व्हीकल से, तो जितना भी कार्बन एनवायरनमेंट के अंदर जा रहा है वो अगर कहीं सिंक होता, वो कहीं स्टोर होता, तब तो इस यहाँ पर कंसंट्रेशन कम होती। पर क्या हुआ कि हम इमिशन को तो बढ़ाते जा रहे हैं, कार्बन का प्रोडक्शन तो बढ़ाते जा रहे हैं बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल और अदर, साथ साथ क्या कर रहे हैं कि वी आर गोइंग टू रिड्यूस द परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट। अगर हम फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं तो आप इसको मान के चलिए कि फॉरेस्ट अकेला कंपोनेंट नहीं है, हम बात कर रहे हैं लीफ, एक सिंपल प्लांट लीफ को, चाहे वो ग्रास लीफ हो, चाहे वो श्रब लीफ है, चाहे हर्ब लीफ हो और ट्री लीफ है, अगर हम एक भी लीफ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, इट मींस वी आर गोइंग टू रिड्यूस द फोटोसिंथेटिक प्रोसेस। जो फोटोसिंथेसिस होता है ना, जिसमें जिस प्लांट के अंदर ग्रीन पिगमेंट होगा जिसको हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं, तो जिस पौधे में ये हरा पदार्थ होगा जिसको हम क्लोरोफिल कह रहे हैं, अगर वो क्लोरोफिल नहीं होगा, हम उसको रिमूव कर दे रहे हैं किसी भी तरह से, तो हम क्या कर रहे हैं कि जो फोटोसिंथेसिस होता है, जिसका एक इक्वेशन कहते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, H2O मिलेगा, CO2 + H2O मिल करके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कैटलिस्ट एंड एनर्जी ये ग्लूकोज बनाता है C6H12O6, और ऑक्सीजन को रिलीज करता है जो कि लाइफ है, हमारे लाइफ की, एनिमल लाइफ की रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन, और वाटर को रिलीज करता है। तो हम इस प्रोसेस की बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए CO2 जो प्रॉब्लम क्रिएटिंग गैस है, वो फोटोसिंथेसिस होगा तभी वो
एब्जॉर्ब होगी, तभी वो यूज होगी, और अगर नहीं होगा तो इसका मतलब है कि डे टू डे कंसंट्रेशन कार्बन की बढ़ती जाएगी। जैसे हम कह रहे थे कि इन्वायरमेंट के अंदर अगर हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के हम केवल कंसंट्रेट कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड में, तो नॉर्मली दिस शुड बी 0.03%, 0.03% होना चाहिए इन नॉर्मल इन्वायरमेंटल कंडीशन। पर 2015 में ही इसका कंसंट्रेशन 0.015 हो गया। इसका मतलब कि कार्बन की जो कंसंट्रेशन है इस इन्वायरमेंट के अंदर 0.01% से ज्यादा बढ़ गई है। एंड दिस इज द इम्पैक्ट हम देख रहे हैं रेनफॉल पैटर्न, जो बरसात 4 महीने होती थी बरसात के सीजन में, 3 महीना विंटर एंड रेन 1 महीना, वो सब डिस्टर्ब हो गया, रेनफॉल पैटर्न डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, तो हर चीज डिस्टर्ब हो रही है ड्यू टू, अगर हम एक ही कंपोनेंट को लेकर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये देख लीजिए। तो हमारा केवल कहने का मतलब है कि हम किस तरह इस कार्बन को सिंक करें, सिंक करें मतलब कि किसी बॉडी में, या किस तरह इस कार्बन को स्टॉक करें जमीन के अंदर या प्लांट बॉडी के अंदर। और एक एस्टिमेट भी है कि अगर कोई लकड़ी फॉरेस्ट वुड है या कोई भी वुड है, अगर वो ड्राई है तो इसका मतलब है कि अगर वो 10 किलो की है तो उसका मतलब है उसके अंदर 5 किलो के आस, 50% ऑफ द वेट ऑफ दिस वुड पीस इज कार्बन। तो जो लकड़ी है वो क्या करती है कि अपनी बॉडी में अपने वजन के बराबर, अगर हम ड्राई वेट की बात करते हैं तो अपने वजन का करीब करीब 50%, वैसे एक्चुअली दिस इज कैलकुलेटेड वैल्यू इज 40%, और बाकी क्या होता है प्लांट बॉडी के अंदर रहता है, हम उसको रफली बात करते हैं कि 50% के आसपास। तो 40% से 50% के आसपास कार्बन अपनी बॉडी के अंदर रहती है, और जब हम उसको जलाते हैं तो देखिए वो स्मोक निकल रही है। तो प्लांट ही एक ऐसी एंटिटी है जो कि कार्बन को स्टोर कर सकती है। ठीक है, तो हम आपको यहां से शुरू करते हैं और अब हम अगली स्लाइड में जाते हैं, जो कि हमारा हमारे को टॉपिक दिया था कि इकोलॉजी। इकोलॉजी बहुत ही सिंपल वर्ड है जिसको आप समझाएं। ये पहली बार दिस वर्ड इज कॉइंड बाय अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल जी ने पहली बार इस वर्ड को कॉइन किया, इस वर्ड को यूज किया, और ये जो वर्ड है इकोलॉजी, ये इकोस, इकोस मीन्स हाउस। ठीक है, तो इकोलॉजी मीन्स है स्टडी ऑफ हाउस होल्ड। हम हमारे चारों तरफ क्या चीज दिखाई दे रही है, दिस इज इकोलॉजी। दिस इज इकोलॉजी का मतलब ये है कि हाउ दिस बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट इंटरेक्ट विद ईच अदर, इंटरेक्ट विद द सराउंडिंग्स। अब हम आपको बात करते हैं कि एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या हुआ। दोज कंपोनेंट्स दोज आर नॉट लिविंग, वो कंपोनेंट जो लिविंग नहीं है। अनदर इज बायोटिक कंपोनेंट्स, बायोटिक कंपोनेंट का मतलब है जिनके अंदर जीवन है, दे आर बायोटिक। बायोटिक मीन्स प्लांट्स, बायोटिक है एनिमल्स, फंगस, बैक्टीरिया। ठीक है, ये फिर छोड़ दिया। हेलो, तो हाँ कुछ कह रहे थे? नहीं सर, एक बच्चे ने अपना माइक, किसी एक स्टूडेंट ने अपना माइक ऑन किया था, मिस्टर शिवम पंत ने, फिर अनम्यूट हो गया। ओके सर, प्लीज कंटिन्यू सर। तो इकोलॉजी मींस इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट विद द सराउंडिंग, विद द एनवायरनमेंट। इस एनवायरनमेंट के अंदर ये बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट किस तरह से एक्ट कर रहे हैं। सिंपल, कोई प्लांट ग्रो कर रहा है, दिस इज बायोटिक। पर जब प्लांट ग्रो कर रहा है तो विदाउट द हेल्प ऑफ दिस वाटर, दिस एयर, दिस सनलाइट, दिस सर एक बार अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, मैंने सभी को म्यूट कर दिया। हेलो हेलो, हाँ अनिल सर आपका भी म्यूट हो गया है, प्लीज अपना अनम्यूट कर लीजिए माइक। हेलो अनिल सर, यादव सर,
सर हम लोग, आप कर सकते हैं उनको अनम्यूट? मैं करता हूँ। ओके सर, थैंक यू। इट्स ओके सर। हाँ अभी ठीक है सर, मैंने सभी को म्यूट कर दिया है ना, तो अब वो म्यूट अनम्यूट नहीं कर पाएंगे जब तक कि हमको अनम्यूट नहीं करते। तो आप कंटिन्यूअसली कीजिए, जब कभी क्वेश्चन आंसर सेशन होगा तब वो अपने आपको अनम्यूट कर पाएंगे सर। अनिल सर फिर आप जो है वो म्यूटेड हो गए, प्लीज सर आप अपने आप अनम्यूट कर। ऑटो म्यूट, ऑटो अनम्यूट हो रहा क्या? नहीं मैंने किया था ना सर, अब सर अब आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, म्यूट कर सकते हैं, लेकिन पार्टिसिपेंट्स ओके सर, अभी अपने आप को म्यूट अनम्यूट कर पाएंगे जब मैं अलाउ करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। ओके सर कंटिन्यू सर। ठीक ठीक ठीक। तो अभी तक मैंने डिस्कस किया था कि इकोलॉजी अर्नेस्ट हैकल जी ने 1869 कहीं कहीं भी 1868 1869 मेंशन है, और ये इकोलॉजी वर्ड जो है इकोस स्टडी ऑफ हाउस होल्ड, और सिंपल इकोलॉजी क्या होता है, दिस इज इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड ए बायोटिक कंपोनेंट्स विद द एनवायरनमेंट। अभी मैं आप डिस्कस कर रहा था इसे जस्ट पहले कि प्लांट अगर ग्रो कर रहा है दिस इज बायोटिक, और बिना ए बायोटिक कंपोनेंट्स के, बिना फिजिकल फैक्टर्स के ये प्रोसेस पूरा नहीं हो सकता अपटेक का। तो इसका मतलब है कि वो बायोटिक एंड कंपोनेंट, बायोटिक एंड ए बायोटिक जो कंपोनेंट्स हैं वो जब इंटरेक्ट करते हैं तभी हम किसी स्टडी को इकोलॉजी करते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल दिया कि एक इंसेक्ट अगर हम उसको एज्यूम करते हैं कि वो इंसेक्ट किस तरह से अदर इंसेक्ट्स, एनिमल्स, प्लांट्स, सॉयल, एयर से इंटरेक्ट कर रहा है, तो सिंपल भाषा में अगर हम यूज करें तो इकोलॉजी इज इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड ए बायोटिक कंपोनेंट्स विद द एनवायरमेंट। ये जो इकोलॉजी है दिस इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज ऑर्टिकोलॉजी। ऑर्टिकोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। इट मींस इफ वी आर गोइंग टू स्टडी ऑफ पर्टिकुलर इंडिविजुअल, लाइक इफ वी आर टेकिंग प्लांट्स, इफ वी आर स्टडिंग पाइन फॉरेस्ट ओनली, दिस इज ऑर्टिकोलॉजी। बट वेन वी आर स्टडिंग ए ग्रुप और ऑर्गेनिज्म, और द इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद द एबायोटिक कंपोनेंट्स, दिस इज सिनिकोलॉजी। किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल का बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट का जो इंटरेक्शन होता है उसको हम ऑर्टिकोलॉजी कहते हैं, और सिनिकोलॉजी हम उसको कहते हैं जब ग्रुप ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स ग्रुप ऑफ डिफरेंट एबायोटिक कंपोनेंट से इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, दिस इज नोन एज सिनिकोलॉजी। एबायोटिक कंपोनेंट इज ऑर्टिकोलॉजी, ग्रुप ऑफ स्पीसीज का इंटरेक्शन विद द एबायोटिक कंपोनेंट्स इज सिनिकोलॉजी। Now we are going to discuss on ecosystem. Ecology is interaction between biotic and abiotic component with the environment, but there is different. We are studying system. System means healthy interaction or physical, chemical and biological processes active within any space and time. किसी particular समय में किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो फिजिकल कंपोनेंट्स हैं, जो केमिकल एक्टिविटीज हैं, जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं, ये इंटरेक्ट करती हैं, स्ट्रांगली लिंक्ड होती हैं, इनको हम इकोसिस्टम कहते हैं। और डिफरेंट इकोसिस्टम्स, ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम सिस्टम, डिफरेंट फ्रॉम द फॉरेस्ट इकोसिस्टम, बिकॉज द फिजिकल प्रोसेसेस, the chemical processes and the biological activities are different from one space to the another space, from one time unit time to another unit time. कहने का मतलब है कि जो ecosystem है वो ecosystem एक complete system है to maintain, to strengthen,
अगर ये इकोसिस्टम को हम स्ट्रेंथन करते जाएंगे, इसका मतलब अगर हम सक्सेशन कभी हमने देखा होगा तो सक्सेशन में क्या होता है कि हम धीरे 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 बैरन लैंड से हम क्लाइमेक्स स्टेज की तरफ जाते हैं, धीरे धीरे जो एरिया बैरन था वो वेजिटेशन में कन्वर्ट हो जाती है। इसका मतलब कि डे टू डे हम क्या करते हैं, फर्टिलिटी को इनहांस कर रहे हैं, हम उन फैक्टर्स को प्रमोट कर रहे हैं टू गेट गुड रिजल्ट्स। इकोसिस्टम वर्ड जो था वो आर्थर टेंसले जी ने दिया था 1935 के अंदर, और ये इकोसिस्टम इज ए सेल्फ रेगुलेटिंग ग्रुप ऑफ बायोटिक कम्युनिटीज। इकोसिस्टम, नेचुरल इकोसिस्टम के अंदर क्या है कि वो अपने आप ही जितने भी बायोटिक कम्युनिटीज हैं वो इंटरेक्ट करते हैं अदर नॉन लिविंग एनवायरनमेंट, और इससे होता क्या है, इससे ये एक्सचेंजिंग एनर्जी एंड मैटर, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे जब हम ट्रॉपिक लेवल की बात करेंगे, हम इसको डिस्कस करेंगे जब हम पिरामिड्स की बात करेंगे कि हाउ दिस एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल। तो इकोसिस्टम जो है, दिस इज सेल्फ रेगुलेटिंग ग्रुप ऑफ बायोटिक कम्युनिटीज ऑफ स्पीसीज एंड दे आर इंटरेक्टिंग विद वन अनदर एंड देयर नॉन लिविंग एनवायरमेंट। ये लिविंग इन कम्युनिटी, नॉन लिविंग कम्युनिटीज, ये दूसरे एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं बाय एक्सचेंजिंग एनर्जी, बाय एक्सचेंजिंग मैटर। दिस इकोसिस्टम इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज नेचुरल इकोसिस्टम, दिस टाइप ऑफ इकोसिस्टम ऑपरेटेड बाय देमसेल्व्स विदाउट एनी मेजर इंटरफेरेंस ऑफ मैन। जिस सिस्टम के अंदर हम रह रहे हैं, दिस इज नेचुरल इकोसिस्टम, बट ह्यूमन बीइंग दिस मॉडिफाइड दिस इकोसिस्टम। तो नेचुरल इकोसिस्टम वो हुआ जो अपने आप ही जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, बायोटिक कम्युनिटीज हैं, और जो एबायोटिक कम्युनिटीज हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ये जो नेचुरल इकोसिस्टम है, दिस इज डिवाइडेड इंटू टू। वन इज टेरिस्टेरियल इकोसिस्टम, मीन्स लैंड इकोसिस्टम, एंड अनदर इज एक्वेटिक इकोसिस्टम। दिस इकोसिस्टम इज ऑल्सो नोन एज मराइन इकोसिस्टम। वी विल डिस्कस इन कमिंग टॉपिक्स इन वट इज टेरिस्टेरियल इकोसिस्टम एंड वट इज एक्वेटिक। अनदर इकोसिस्टम इज आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। This is also known as man-made ecosystem. You have seen this poly house. Poly house is example of very good example of this artificial ecosystem. This is the example of this artificial ecosystem. हमने poly house के अंदर जिन plants को grow करना है, उनके लिए जो ideal temperature है, ideal relative humidity है, ideal moisture है, हमने इस पॉली हाउस के अंदर इसको कन्वर्ट किया है, ये सॉरी इस पॉली हाउस के अंदर इसको कंजर्व किया है टू गेट गुड रिजल्ट्स। तो इसीलिए पॉली हाउस यूज करते हैं कि विंटर्स में क्या होता है कि नेचुरल इकोसिस्टम के अंदर टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाएगा, तो हम उन्हीं प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं जो उस क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए सुटेबल होगा। पर अगर हमने उसको आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के अंदर रखा हुआ है, इसका मतलब है कि हम वहां पर कुछ उसको क्लाइमेटिक फैक्टर, इडेफिक फैक्टर्स और बेस्ट सुटेबल बायोटिक फैक्टर्स को हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं टू गेट प्रॉपर रिजल्ट। तो इकोसिस्टम दो तरह के हो गए, एक को हम कहते हैं नेचुरल इकोसिस्टम, वो इकोसिस्टम जिसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस बहुत कम होता है, जैसे हम अपने चारों तरफ का वातावरण देख रहे हैं, दिस इज नेचुरल इकोसिस्टम। हम उसको बहुत ज्यादा मैनिपुलेट मेंटेन नहीं कर सकते अपने रिक्वायरमेंट के बेसिस पे, क्यों, क्योंकि पूरा इन्वायरमेंटल सिस्टम में जो भी हो रहा है हमको उसको बियर करना पड़ेगा। पर आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के अंदर हम उसको मैनेज कर सकते हैं। मिस चैम्बर्स होते हैं, पॉली हाउस होते हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेंटेन कर सकते हैं। इडेफिक फैक्टर माने फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉयल, केमिकल ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ सॉयल, हम उसको मेंटेन करके हम अपने प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस इकोसिस्टम इज।
ये जो हम इकोसिस्टम पढ़ रहे हैं इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, तो इसके अंदर बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, एन इकोसिस्टम इज इंटीग्रेटेड यूनिट। इकोसिस्टम क्या है, वो इंटीग्रेटेड यूनिट है, बहुत से कंपोनेंट्स को ले करके बनाई गई यूनिट है, बनी हुई यूनिट है, जिसके अंदर प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये एक दूसरे को कैसे मेंटेन कर रहे हैं, कैसे रेगुलेट कर रहे हैं, ऑफ दियर बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। जैसे अगर हम फॉरेस्ट की बात करें, हेल्थी फॉरेस्ट में हम कहते हैं थ्री स्ट्रेटा सिस्टम है। कभी कभी आपने फॉरेस्ट देखा होगा, नीचे ग्रासेस हैं, बीच के उसमें श्रब्स हैं, और उसके ऊपर की स्टोरी है ग्रासेस। तो ये एक स्ट्रक्चर हो गया जिसको हम कहने का थ्री स्ट्रेटा सिस्टम। कहीं कहीं पर ग्रासेस होंगी, अगर हम पाइन फॉरेस्ट की बात करें पहाड़ पे, तो पाइन फॉरेस्ट के अंदर क्या है, दो ही स्ट्रेटा हैं, ग्रासेस हैं और ट्रीज हैं। तो स्ट्रेटा लेयर्स, जितनी ज्यादा लेयर्स होंगी इकोसिस्टम उतना स्ट्रेंथन होगा। हम लोग सक्सेशन पढ़ते हैं जिसके अंदर बैरन लैंड है, जहां पर कोई वेजिटेशन नहीं है, और वहां पर क्या है, पहली बार क्या आता है, लाइकेंस आते हैं, उसके बाद लाइकेन खत्म होता है, कुछ फर्टिलिटी इंक्रीज करता है, उसके बाद मॉसेज आते हैं, मॉसेज ड्राई होते हैं, उसके बाद कुछ फर्टिलिटी आती है, धीरे धीरे वीड्स आते हैं, फिर ग्रासेज आते हैं, धीरे धीरे फिर वहां पर श्रब्स आते हैं, फिर ट्रीज आते हैं, फिर लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज आती है, और धीरे धीरे एक स्टेज है कि वो डेंस फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं क्लाइमेक्स, कल्मिनेटिंग स्टेज। तो जिस जगह पर कोई फर्टिलिटी नहीं थी, पर धीरे 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 वहां फर्टिलिटी आती गई, और वहां पर आज की डेट में एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट हो गया। तो इस प्रोसेस में हजारों साल लग जाते। तो कॉन्सेप्ट है कि किस तरह प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे, किस तरह एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स वहां पे हैं जो एक दूसरे से इंटरेक्ट करके बढ़े। द इकोसिस्टम इज अ यूनिट, एक यूनिट है, विच इज कंपोज ऑफ नंबर ऑफ सब यूनिट, मीन्स नंबर ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और अदर बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रक्चर्स, ऑल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक्ड विद ईच अदर, दूसरे से लिंक्ड हैं। अगर हम ग्रासलैंड इकोसिस्टम की बात करेंगे, इसका मतलब है कि उसकी क्लाइमेटिक, वातावरण का क्लाइमेटिक, इडेफिक एंड टोपोग्राफिक रिक्वायरमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम डेजर्ट इकोसिस्टम। डेजर्ट इकोसिस्टम में लिमिटिंग फैक्टर क्या है, लिमिटिंग फैक्टर है वाटर। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है, पर डेजर्ट में अवेलेबिलिटी बहुत कम है। तो आप, हमको पता है कि कोई भी प्लांट अगर किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर ग्रो कर रहा है, ठीक है, जैसे हम खाना खाते हैं तो हमको कुछ विटामिन चाहिए, कुछ सब्जी से कुछ ए मिल जा रहा है, किसी में बी, किसी में सी, किसी में कुछ मिल जा रहा है, ऐसे ही प्लांट्स को भी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो न्यूट्रिएंट हम कहते हैं कि वो न्यूट्रिएंट जिनकी रिक्वायरमेंट प्लांट्स को ज्यादा होती है, माइक्रो न्यूट्रिएंट हम उसको कहते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट प्लांट्स को कम होती है। जैसे हम ही लोग हैं, पानी ज्यादा चाहिए, दाल ज्यादा चाहिए, पर उसमें नमक जो है उसकी क्वांटिटी लिमिटेड होनी चाहिए, अगर नमक ज्यादा पड़ जाएगा तो हमारा टेस्ट गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे ही प्लांट्स के लिए भी, जिसमें अगर मैक्रो, जिसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, उसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटास है, सल्फर है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ये नौ हमने बोले तत्व, ये तत्वों की जो प्लांट को ज्यादा जरूरत होती है फॉर बेटर ग्रोथ। जिंक है, बोरान है, आयरन है, लेड है, इनकी रिक्वायरमेंट जो है वो प्लांट को कम होती है। पर इस मैसेज को देते हुए ये कहना चाहता हूं कि ये जो हैं, ये प्लांट्स को डायरेक्टली नहीं मिलते। जब ये उस फॉर्म में आ जाएंगे, जब ये वाटर के साथ डिसॉल्व हो जाएंगे, तभी ये प्लांट को अपटेक होगा।
अगर हम एग्जांपल देना चाहें तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन जो 78% के आसपास इस एनवायरनमेंट के अंदर है, वो प्लांट को तभी मिलेगी जब वो NO3 नाइट्रेट के फॉर्म में कन्वर्ट होगी, तभी वो वाटर में डिसॉल्व होगी, और तभी जब प्लांट वाटर को अपटेक करेगा, जब ट्रांसपायरेशन होता है तो अपटेक होता है, जब वाटर को अपटेक करेगा तो वाटर को अपटेक करते समय डिसॉल्व फॉर्म में NO3 नाइट्रेट, डिसॉल्व फॉर्म में जो नाइट्रेट होगी वही एब्जॉर्ब होगी, N2 गैस में नहीं होगी, NH3 में नहीं होगी, NH4 में नहीं होगी, NO2 में नहीं होगी। पर कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको लेगुमिनेसी फैमिली के प्लांट्स होते हैं, और कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जो नॉन लेगुमिनेसी फैमिली के भी होते हैं, वो भी इन्वायरमेंटल नाइट्रोजन गैस को विद द हेल्प ऑफ राइजोबियम वो सॉइल में फिक्स करते हैं। ये सही बात है। पर जो भी न्यूट्रिएंट्स प्लांट अपटेक करेगा वो न्यूट्रिएंट क्या करेगा कि वाटर में सॉल्युबल होना चाहिए, तभी वो अपटेक होगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट इकोसिस्टम का ये है कि जो प्लांट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट हो रहे हैं और किस तरह से मेंटेन कर रहे हैं एक दूसरे को, किस तरह से इस इकोसिस्टम को रेगुलेट कर रहे हैं, दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस इकोसिस्टम। इकोसिस्टम जो होता है, हमने अभी कुछ देर पहले भी कहा था कि हमने एनवायरनमेंट की बात की, जिस हम ओपन एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, यहां पर क्या है कि ये एक्सचेंज कर रहा है एनर्जी और मैटर का फ्रीली, बिना किसी इंटरफेरेंस के, और हम उसको फील भी कर रहे हैं और हमको उसको बियर भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमने जितना पॉल्यूशन किया हुआ है, जितना हमने इसको मॉडिफाई किया हुआ है निगेटिवली, तो जो भी होगा, हमको बरसात हो रही है, हमको झेल देखना पड़ेगा, हमको उसको झेलना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ गया, हमको उसको झेलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दिस इज ओपन इकोसिस्टम। इस ओपन इकोसिस्टम के अंदर जो एनर्जी और मैटर का एक्सचेंज है, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, जैसा है हमको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और कुछ देर पहले हमने मिस चैम्बर की बात की थी, हमने पॉली हाउस की बात की थी, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ क्लोज इकोसिस्टम। हम हमारे पौधे को जितना कार्बन देना है, जितना न्यूट्रिएंट देना है, जितना टेम्परेचर देना है, जितना रिलेटिव ह्यूमिडिटी देना है, हम उसको मेंटेन कर सकते हैं इन क्लोज इकोसिस्टम। हम अपने घर के अंदर एसी चला करके एक क्लाइमेटिक अपने लिए सुटेबल टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, पर हम ये बाहर नहीं कर सकते। तो अगर घर के अंदर हमने एसी चला करके मेंटेन करा है टेम्परेचर, तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ क्लोज इकोसिस्टम। हमने जिस कमरे में रह रहे हैं उसको मेंटेन कर लिया, पर अगर हम बाहर रह रहे हैं तो हम उसको नहीं मेंटेन कर सकते, क्योंकि वहां पर एनर्जी और मैटर का जो एक्सचेंज है वो फ्रीली हो रहा है। लाइफ ऑन द अर्थ इज सस्टेन्ड बाय द फ्लो ऑफ एनर्जी, और इस धरती पर लाइफ सस्टेन हो रही है केवल और केवल सूरज की रोशनी के द्वारा ही। क्यों? क्योंकि अगर सन नहीं होगा तो फोटोसिंथेटिक प्रोसेस नहीं होगा, और जब फोटोसिंथेटिक प्रोसेस नहीं होगा तो न्यूट्रिएंट का अपटेक और ये जो आपका इंट्रैक्शन है ये नहीं होगा, और यही एक सोर्स है इस धरती पर सस्टेनेबिलिटी के लिए, फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम सन एंड साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जो भी इस धरती पर है, चाहे प्लांट है चाहे एनिमल है, जब भी वो ग्रो करेगा तो एक टाइम पीरियड के बाद क्या होगा कि वो डेड हो जाएगा। मरने के बाद क्या होगा कि वो जितने भी हमारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर हैं वो धीरे 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 सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में टूट जाएंगे, फिर वही नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास में हमारे धरती मिलेंगे, फिर न्यूट्रिएंट द्वारा इसको उठाया जाएगा। तो इस तरह की साइकिल, अभी हम इसमें लास्ट में आपको बायो जियो केमिकल साइकिल की भी बात करेंगे कि किस तरह हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, किस तरह पानी का मूवमेंट है, किस तरह नाइट्रोजन का है, किस तरह कार्बन का है, किस तरह फास्फोरस का है, इसको भी डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, अब जिसको हम इतनी देर से बात कर रहे थे कि बायोटिक कंपोनेंट्स क्या हुआ, हमने कहा कि ऑल द लिविंग बींग्स, जो भी लिविंग बींग्स हैं ये सब बायोटिक कंपोनेंट्स हैं,
Life in ecosystem is nutritionally structured. The plant, animal, microorganism present in an ecosystem form the biotic components. इस धरती के ऊपर जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, इनको हम बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। दीज ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट न्यूट्रिशनल बिहेवियर। एनिमल्स की रिक्वायरमेंट अलग है, प्लांट्स की रिक्वायरमेंट अलग है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट अलग है, तो दे हैव डिफरेंट न्यूट्रिशनल बिहेवियर एंड स्टेटस इन द इकोसिस्टम एंड आर अकॉर्डिंगली नोन एज प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स based on how they get their food. सब जो भी ऑर्गेनिज्म है, जो भी बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, इनकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट डिफरेंट है और इन्हीं डिफरेंट रिक्वायरमेंट के बेसिस पे ही हम इनको प्रोड्यूसर्स बोलते हैं. प्रोड्यूसर्स का मतलब वो है दोज ऑर्गेनिज्म विच हैज क्लोरोफिल इन दियर बॉडी. ग्रीन पिगमेंट जिसके अंदर है उसी के अंदर ये एबिलिटी है टू फोटोसिंथेट. फोटोसिंथेसिस वही कर सकता है जिसके अंदर ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल होगा. तो उसको तो हमने प्रोड्यूसर्स कर दिया, वो अपना खाना खुद बनाएगा. उसके अलावा इस धरती के अंदर कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है जो अपना खाना खुद बनाएगा, पर उसके न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है. पर वो क्या करेगा, वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होगा और जब दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है तो हम उसको बोलते हैं कंज्यूमर. और दिस इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स. अगर हमने कहा कि हर्बीवोर, तो हर्बीवोर से सिंपल सी बात है, हर्ब. दोज डिपेंड ऑन हर्ब इज हर्बीवोर. कर्निवोर, कर्निवोर का मतलब है मांसाहारी. दोज depend on herbivores, they are carnivores. और जो कुछ लोग जो human beings में भी जो आपका साग और कहते वेज और नॉन वेज दोनों यूज करते हैं, they are omnivore. तो कुछ animals ऐसे होते हैं जो herb पे भी depend करते हैं और जो another animals पे depend करते हैं उनको हम बोलते हैं omnivores. ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट हमने कैटेगराइज किया था प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स. अब हमने डिस्कस किया कि प्रोड्यूसर्स एक्चुअली हैं क्या. दे आर मेनली द ग्रीन प्लांट्स विच कैन सिंथेसाइज देयर फूड देमसेल्फ थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. प्रोड्यूसर्स उनको कहते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है, जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं. फोटोसिंथेसिस क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ प्लांट बॉडी के अंदर अगर ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल है तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूरज की उपस्थिति में कुछ एनर्जी, कुछ कैटलिस्ट के साथ ये क्या करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेकर के ये ग्लूकोज और सुक्रोज, जिसको हम कहते हैं C6H12O6, बनाते हैं. ठीक है, और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, कुछ वाटर भी रिलीज करते हैं, पर हम स्ट्रेस दे रहे हैं कि ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं. तो इस इकोसिस्टम की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ रही है. तो अगर फोटोसिंथेसिस होगा तभी कार्बन यूटिलाइज होगी, तभी इस इन्वायरमेंट से कार्बन कम होगी. और ये जो हम प्रॉब्लम देख रहे हैं वो इसीलिए देख रहे हैं कि हमने लार्ज स्केल पर डिफॉरेस्टेशन कर दिया. हमने इलीगल तरीके से, अनसाइंटिफिक तरीके से डेवलपमेंट करते जा रहे हैं, सड़कें चौड़ी करते जा रहे हैं, पेड़ पौधे काटते जा रहे हैं, स्कूल, कॉलेज, बिल्डिंग्स, खेत बनाते चले जा रहे हैं. उससे क्या होगा, पेड़ कम हो जाएंगे और प्लांट लीफ कम हो जाएगी. चाहे घास हो, चाहे झाड़ी हो, चाहे पेड़ हो, हम बात कर रहे हैं एक सिंपल लीफ की. अगर एक सिंपल लीफ भी कम हो गई तो उतनी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कम होगी
और प्रोसेस कम होगी, इसका मतलब जो कार्बन हम यूटिलाइज करना चाह रहे थे फॉर प्रोड्यूसिंग दिस ग्लूकोज सुक्रोज और रिलीजिंग दिस ऑक्सीजन इन द एनवायरमेंट, हम उसको चेक कर दे रहे हैं। तो प्रोड्यूसर्स, और इसको देखिए नीचे भी लिखा हुआ है, दे आर ऑल्सो नोन एज फोटो ऑटोट्रॉफ। फोटो मीन्स लाइट। तो वो ऑर्गेनिज्म जिनको हम प्रोड्यूसर कह रहे हैं, वो प्रोड्यूसर इसलिए है क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। दूसरा हमने जो ब्रॉड कैटेगरी बताई उसको बोला कंज्यूमर। कंज्यूमर मींस ऑल ऑर्गेनिज्म विच गेट दियर फूड बाय फीडिंग अपॉन अनदर ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड कंज्यूमर्स। इसका मतलब है कंज्यूमर्स वो हुए जो अपना फूड खुद नहीं बना सकते, वो अपने न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, दे आर नोन एज कंज्यूमर्स। और अगर हम कंज्यूमर्स को डिफरेंट क्लासिफाई करें तो कंज्यूमर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कंज्यूमर्स होते हैं, जो अभी हमने आपसे कहा था कि हर्बीवोर्स, इनको प्राइमरी कंज्यूमर बोलते हैं। हर्बीवोर्स का मतलब है दो ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन हर्ब्स, फीड ऑन प्रोड्यूसर्स, जो प्रोड्यूसर्स के ऊपर बेस्ड है, जो प्रोड्यूसर से अपनी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट मीट आउट करता है, दे आर नोन एज हर्बीवोर्स। नेक्स्ट इज कर्निवोर। कर्निवोर्स का मतलब है मीट ईटिंग, और दोज ऑर्गेनिज्म दे फीड ऑन हर्बीवोर्स, जो घास खाने वाले जानवरों के ऊपर अपनी लाइफ साइकिल, अपने न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट मीट आउट कर रहे हैं, उनको हम कर्निवोर्स बोलते हैं, और इनको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर इज हर्बीवोर, सेकेंडरी कंज्यूमर इज कर्निवोर, एंड प्रोड्यूसर्स मींस दोज प्रिपेयर देयर फूड इटसेल्फ। और जो तीसरी कैटेगरी है इसको बोलते हैं ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स का मतलब हमने कहा था ह्यूमन बीइंग्स हैं, रैट है, फॉक्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स हैं, जो सीड के ऊपर, फ्लावर के ऊपर, फ्रूट के ऊपर तो डिपेंड ही हैं, साथ साथ कुछ इंसेक्ट्स के ऊपर, कुछ हर्बीवोर्स के ऊपर फीड करते हैं, इनको हम ओमनीवोर कहते हैं। ओमनीवोर वो होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल दोनों को फीड करते हैं। तीसरी कैटेगरी थी जो हमने कहा प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर हैं, और तीसरी कैटेगरी होती है डेट्रीवोर्स। डेट्रीवोर्स का को हम क्या कहते हैं, हम उसको सेप्रोफाइट्स भी कहते हैं। सेप्रोफाइट्स का मतलब है कि दोज ऑर्गेनिज्म दे फीड ऑन डेड ऑर्गेनिज्म, वेस्ट, डीकंपोज मटेरियल। डेट्रीवोर्स वो हो गए जो मृत जीवी या डेड मटेरियल के ऊपर अपनी लाइफ, अपने न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट मीट आउट कर रहे हैं, वो डेट्रीवोरर्स होते हैं। जैसे जो प्लांट डेड हो गया उसको डीकम्पोज करने का काम कर रहे हैं, वेस्ट मटेरियल्स के ऊपर ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, या डीकम्पोज मैटर के ऊपर कर रहे हैं, जैसे बीटल्स होते हैं। जाड़े में आपने बरसात में देखा होगा बीटल क्या होता है, उनकी जो आपका कोट है ना वो हार्ड कोट होता है, टर्माइट है, एंट है, ठीक है, ये डेट्रीवोरस होते हैं जो कि डेड मटेरियल के ऊपर अपनी लाइफ साइकिल पूरी करते हैं। दिस इज ए सिंपल एग्जांपल ऑफ जो हमने कहा कि किस तरह के होते हैं, तो प्रोड्यूसर होते हैं, कंज्यूमर होते हैं, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल आपको दिया है एक सिंपल फूड चैन का। फूड चैन का मतलब है कि एक प्लांट, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा रहा है और दूसरा तीसरा ऑर्गेनिज्म जो है उसको खाया जा रहा है, ठीक है। जैसे सिंपल है कि इस फोटो के अंदर ये देखिए सनलाइट की प्रेजेंस में ये प्रोड्यूसर्स है जिसके अंदर क्लोरोफिल है, वो अपना फूड प्रिपेयर कर रहा है, और ग्रास ऑपर इज ईटिंग दिस प्लांट, दिस इज नोन एज प्राइमरी कंज्यूमर, and this grasshopper is being eaten by the secondary consumer, that is frog, and this food chain, this frog is being eaten by this territory, aap kehte hain
टर्टेरियस कंज्यूमर, थर्ड कंज्यूमर दैट इज स्नैक, एंड दिस स्नैक इज बीइंग ईटन बाय द हॉक, एंड नाउ एंड आफ्टर दिस दिस इज डीकम्पोज और इन एवरी स्टेज आफ्टर डेथ ऑफ दिस ग्रास हॉपर दिस फ्रॉग दिस स्नैक दिस हॉक इज कन्वर्टेड इन टू दिस इज all about this food chain. Now, I have already discussed this decomposer. Decomposer means that some organism, they meet out their nutritional requirement by breaking down the complex organic molecules to simple organic molecules and ultimately into the inorganic molecules. कहने का मतलब ये है कि जो ये बैक्टीरिया हैं, ये जो फंगस हैं, ये क्या करते हैं कि जो भी मटेरियल डेड हो रहा है किसी भी स्टेज पे, चाहे वो प्रोड्यूसर है, चाहे वो प्राइमरी कंज्यूमर हो, चाहे सेकेंडरी कंज्यूमर है, किसी भी स्टेज पे है, जब उनकी डेथ हो जाती है तो ये जो बैक्टीरिया और फंगस होते हैं वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक जो भी वो ऑर्गेनिज्म बना है उसको डिकम्पोज करते हैं, उसको सिंपल ऑर्गेनिक कंपोनेंट में ब्रेक डाउन करते हैं और लास्ट अल्टीमेटली वो क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन करते हैं। जैसे अगर कोई पेड़ की पत्ती गिर गई है तो धीरे धीरे डीकम्पोज होगी, उसके लीफ के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे, चाहे वो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, कुछ भी है, वो धीरे धीरे फिर सॉइल के अंदर रिलीज हो जाएगा और फिर प्लांट रूट द्वारा उसको अपटेक कर लिया जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जो बैक्टीरिया फंजाई डीकम्पोजर का काम करते हैं वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं और धीरे धीरे क्या करते हैं, ये ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में तोड़ते हैं, सिंपल नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटास में तोड़ते हैं, फिर सॉइल के में ये मिक्स हो जाते हैं और जैसे ही प्लांट उसको अपटेक करता है, ठीक है, ये प्लांट बॉडी के अंदर फिर चले जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि अभी तक हमने जो डिस्कस किया था वो बायोटिक कंपोनेंट्स की बात की थी, वो जो लिविंग बीइंग्स हैं, प्लांट एनिमल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि प्रोड्यूसर्स कौन है, कंज्यूमर्स कौन है, ओमनीवोर्स कौन है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं ए बायोटिक कंपोनेंट्स, ए बायोटिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो ए बायोटिक स्ट्रक्चर है द फिजिकल एंड केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम, जो इस इकोसिस्टम में फिजिकल कंपोनेंट्स हैं, केमिकल कंपोनेंट्स हैं, उनको हम एबायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो इसका मतलब है कि ये क्या हुए, क्लाइमेटिक फैक्टर्स, टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड वेलोसिटी, ठीक है, इडेफिक फैक्टर, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉयल, मिट्टी कैसी है, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉयल, उस सॉइल के अंदर कौन कौन से केमिकल हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, आयरन, ये जियोग्राफिकल फैक्टर्स, वो एल्टीट्यूडनली किस रेंज पे है, समुद्र तल से उसकी क्या रिक्वायरमेंट, कितनी ऊंचाई पे है, क्यों, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर को बढ़ते जाते हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे, अगर करते हैं बीच में टाइम मिलता है, कि वर्ल्ड मैप में लाइन ऑफ इक्वेटर है और जैसे जैसे हम नॉर्थ पोल की तरफ जाते हैं और जैसे जैसे साउथ पोल की तरफ जाते हैं धीरे धीरे टेम्परेचर कम होता जाता है, ठीक है, तो वहां की वेजिटेशन अलग होगी और वहां पर जो क्लाइमेट फैक्टर है, इडेफिक फैक्टर है, ठीक है, वो चेंज हो जाएगा और समुद्र तल से जो ऊंचाई है उसके बेसिस पर भी वेजिटेशन का वेरिएशन होता है, उसको डिस्कस करेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तो जब हम इसकी बात करते हैं तो ये एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, और अगर हम ये फिजिकल और केमिकल कंपोनेंट की बात करें तो हम इसको और इलेबोरेट कर देते हैं कि फिजिकल फैक्टर क्या हुआ। फिजिकल फैक्टर क्या है, सनलाइट, इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट, ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट जिसको हम कभी फोटो पीरियडिज्म की बात करते हैं, एवरेज टेम्परेचर क्या है, रेनफॉल क्या है, विंड वेलोसिटी, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कैसा है, इस अर्थ के ऊपर उसकी पोजीशन कहाँ पे है, किस तरह का सॉइल टाइप है, किस तरह का वाटर है, दे आर नॉन लिविंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स। और केमिकल फैक्टर का मतलब है कि उस सॉइल के अंदर
कौन कौन से केमिकल्स हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से हैं और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से हैं। आपने देखा होगा हर लैंड की फर्टिलिटी उतनी अच्छी नहीं होती, हर लैंड की प्रोडक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? ड्यू टू स्कर्सिटी ऑफ पर्टिकुलर केमिकल्स, पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। और जब हम फसल बोते हैं तो हम उसमें यूरिया डालते हैं, इसका मतलब है कि अगर वो यूरिया डालने पर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसका मतलब है कि उसमें नाइट्रोजन की कमी थी। तो एबायोटिक स्ट्रक्चर क्या हुआ? फिजिकल फैक्टर्स और केमिकल फैक्टर्स, और इन्हीं दोनों का इंटरेक्शन, केमिकल फैक्टर और फिजिकल फैक्टर को ही हम बोलते हैं एबायोटिक कंपोनेंट, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। और बायोटिक कंपोनेंट्स हमने अभी कुछ देर पहले डिस्कस किया था कि प्लांट है, एनिमल है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। जब ये बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट एक दूसरे से स्ट्रांगली इंटरेक्ट करेंगे तभी हमारा इकोसिस्टम मेंटेन होगा, तभी सस्टेनेबिलिटी मेंटेन होगी। अभी हमने आपसे डिस्कस किया था और एक सिंपल फूड चेन को डिस्कस किया था। अगर हम डिफिनीशन की बात करते हैं तो देखिए फूड चेन एक्चुअली हुआ क्या। द सीक्वेंस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन इन एन इकोसिस्टम। किसी भी इकोसिस्टम में, किसी भी इकोलॉजिकल सिस्टम के अंदर एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म द्वारा खाया जा रहा है और ये धीरे धीरे ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। इसका मतलब है कि अगर किसी प्रोड्यूसर्स को प्राइमरी कंज्यूमर ले रहा है, ठीक है, तो ये फूड चेन का एक लिंक है। और ये अभी मैं आगे भी डिस्कस करूंगा कि जब एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी ट्रांसफर होती है तो दिस इज ट्रांसफर अप टू 10-20%। जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म खा रहा है तो उसके बॉडी के अंदर केवल 10-20%, नॉर्मल दिस इज 10%, 10% एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, बाकी 90% ये हीट में कन्वर्ट हो जाएगा, दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हम फूड चेन का मतलब है सीक्वेंस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन। जैसे हमने कहा था इस एग्जांपल के अंदर भी है, देखिए थ्री लिंक्ड फूड चेन दिया हुआ है, कॉर्न है, मक्का है, मक्के को रेड ने खाया और रेड को आउल ने खा दिया। इसका मतलब है कि मक्का ईटन बाय रेड एंड रेड इज बीइंग ईटन बाय ऑक्स। दिस इज एग्जांपल ऑफ थ्री लिंक चेन। अनदर एग्जांपल इज कैरेट ईटन बाय रैबिट एंड रैबिट इज बीइंग ईटन बाय ऑक्स एंड ऑक्स इज बीइंग ईटन बाय लायन। दिस इज फोर लिंक चेन। अनदर इज ग्रास ईटन बाय ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर इज ईटन बाय फ्रॉग, frog is being eaten by this snake and snake is being eaten by hop। ये five linked। और normally ecosystem के अंदर simple food chain बहुत कम मिलती है और जो food chain है वो चार link से, चार tropic level से ज्यादा बहुत rare मिलती है। क्यों? क्योंकि हम कह रहे हैं कि एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी का ट्रांसफर केवल 10% के आसपास होता है, 10-20% के आसपास होता है, रेस्ट ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो इसलिए ये जो हमारे ट्रॉपिक लेवल्स है बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। अगर हम एक सिंपल सा और एग्जांपल दे दें आपको, अगर किसी ग्रास को कोई हर्बीवोर खा रहा है और उस ग्रास के अंदर 1,00,000 एनर्जी है, अगर वो 1,00,000 एनर्जी है तो उसका केवल 10% नेक्स्ट लेवल में ट्रांसफर होगा। नेक्स्ट लेवल में जो एनर्जी कंजर्व हुई है उसका केवल 10% नेक्स्ट लेवल में होगा। इसका मतलब 90% ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट। लॉस्ट वर्ड ज्यादा ठीक नहीं है, ट्रांसफर, ठीक है, क्योंकि एनर्जी लॉस नहीं होती, एनर्जी ट्रांसफर होती है, दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, ठीक है। तो फूड चेन का सिंपल है द सीक्वेंस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन इन एन इकोसिस्टम। किसी इकोसिस्टम में एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म द्वारा
खाया जाता है, दूसरे ऑर्गन को उसके ऊपर के ट्रॉपिक लेवल द्वारा खाया जाता है, उसके ऊपर के और कहा जाता है, इसको हम कहते हैं फूड चेन। और ये जो फूड चेन है, ये दो तरह की फूड चेन होती है, एक लैंड के ऊपर जिसको हम बोलते हैं ग्रेजिंग फूड चेन, जिसके अंदर प्रोड्यूसर है, हर्बीवोर है, कार्निवोर है, इस तरह का। और एक होता है डिट्रिटस फूड चेन, वो फूड चेन जो कि डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर गोबर है, उसको क्या किया, अर्थवॉर्म ने ले लिया और अर्थवॉर्म को उसके हायर ट्रॉपिक लेवल पर जो भी ऑर्गेनिज्म वो ले लेगा। तो फूड चेन दो तरह की होती है, एक ग्रेजिंग फूड चेन लैंड फूड चेन, और एक डेड ऑर्गेनिज्म को फीड करने वाली डिट्रिटस फूड चेन। जब हम फूड चेन को डिस्कस कर रहे हैं तो एक इंपॉर्टेंट है कि फूड वेव, जो फूड चेन हमने सिंपल फूड चेन को डिस्कस किया था, हमने कहा था कि प्रोड्यूसर है, दिस ग्रास हॉपर है, फ्रॉग है, स्नेक है, हॉक, दिस इज सिंपल फूड चेन। पर इस इकोसिस्टम में सिंपल फूड चेन बहुत मिलना बहुत रेयर है। क्यों? क्योंकि जो ग्रास है वो ग्रास हॉपर द्वारा भी खाई जा रही है, जो ग्रास है वो हर्बी बोर द्वारा भी खाई जा रही है, जो ग्रास है वो बटरफ्लाई द्वारा भी कुछ ली जा रही होगी, ठीक है, तो जो ग्रास है वो बर्ड द्वारा भी खाई जा रही होगी। और अगर हम बात करें कि ग्रास हॉपर है तो ग्रास हॉपर द्वारा, ग्रास हॉपर को डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म द्वारा लिया जा रहा होगा, ग्रास हॉपर को रेड भी खा रहा होगा। तो इसका मतलब है कि इस इकोसिस्टम में सिंपल फूड चेन बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है। पर फूड वेव का मतलब है कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ फूड चेन। अगर हम डिफिनेशन की बात करें, इन ए गिवन इकोसिस्टम, किसी इकोसिस्टम के अंदर various food chain are linked together, different types of food chains interact करती है एक दूसरे से, इनको हम बोलते हैं food wave, ठीक है। In nature, simple food chain occurs rarely, the same organism may be eaten by several organisms of the higher tropic level, or an organism may feed upon several different ऑर्गेनिज्म ऑफ द लोअर ट्रॉपिक लेवल। अगर हम सिंपल भाषा में बात करें तो फूड वेव को कहेंगे मल्टीपल फूड चेन, कॉम्प्लेक्स फूड चेन इज नोन एज फूड वेव। फूड वेव का मतलब है कि अगर हम किसी प्रोड्यूसर की बात करें, किसी ग्रास की बात करें, तो ग्रास को डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर द्वारा लिया जाता है, और अगर हम प्राइमरी कंज्यूमर की बात कर रहे हैं तो उस प्राइमरी कंज्यूमर में जो भी ऑर्गेनिज्म है उसको डिफरेंट सेकेंडरी कंज्यूमर द्वारा फीड किया जाता है, और जो सेकेंडरी कंज्यूमर है उसको हो सकता है कि उसके हायर लेवल पर अगर टर्शियरी कंज्यूमर कोई है तो उसके द्वारा लिया जाएगा। तो फूड वेव इज कॉम्प्लेक्स इन फूड चेन, तो कॉम्प्लेक्स फूड चेन इज known as food wave. This is the example of this food wave. तो prime आप producers के ऊपर different types of organism है और उनको different types of primary consumer द्वारा feed किया जा रहा है, और different types of primary consumer को secondary consumer द्वारा feed किया जा रहा है, और इस तरह से ये जो topic level move कर रहा है, तो complex food chain is known as food wave.